आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। ये मेरे देश की बात है, जन्मभूमि इस भारत की बात है, कहीं दूर दुनिया की बातें नहीं। ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं आप सब लोगों को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा में सहयोग किया है। लोग इस हफ्ते अब मना रहे हैं पहले भ्रष्टाचार मुक्त J&K, डिजिटल J&K, और हम लोग इस हफ्ते इसके ऊपर सारी चर्चाएं करेंगे। हम लोगों को अब ये प्रण ले लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त J&K बनाना है तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज भी होना चाहिए। इसके लिए हमारे PRI महोदय जितने भी यहाँ पर हैं उन सबका सहयोग चाहूँगा मैं। और PRI से एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे कई सारी डिमांड्स और ग्रीवेंसेस रखी, ठीक है। कुछ ऐसी ग्रीवेंसेस हैं जिसमें कि किसी हमारे एम्प्लॉय के ऊपर कोई आरोप है, जैसे कि कोई टीचर समय पे नहीं आता या कहीं पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, इस तरीके की जो ग्रीवेंसेस हैं इनके ऊपर हम संबंधित के ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे अगर वो सही पाई जाती है तो, ठीक। दूसरी तरीके की जो आपकी डिमांड पब्लिक ग्रीवेंस है वो है कि जिसमें आपने कहीं पर रोड बन रहा है कंपनसेशन नहीं मिला, कहीं पे आपने कुछ स्कूल के लिए कोई बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग का प्रपोजल है उस बिल्डिंग को बनाना है लेकिन अभी तक बनी नहीं। इसके लिए PRI इसको मैं बिल्कुल बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, आप लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा हो और आप लोगों को पता है कि प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कि हमको उनको बताना चाहिए कि हमने यहाँ से प्रपोजल बना के भेजा है जिसके लिए जमीन भी हमने लोगों ने देख ली है। जमीन बनने का प्रपोजल के बाद अभी हमारे ऑलरेडी जिले के अंदर पिछले साल भी हमने 3-4 स्कूल ऐसे थे जो कि 2010 से आधे पड़े हुए थे उनको कंप्लीट करवाया। फिर उसके बाद अभी धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमको पैसा मिलता जा रहा है वैसे वैसे काम होते जा रहे हैं। लेकिन और PMGSY रोड के बारे में पिछली बार जब मैंने ज्वाइन किया था 8 से 9 रोडें थी जो कि कहीं पर किसी ना किसी कारणवश रुकी हुई थी, बंद थी, ठेकेदार भाग गया था, कहीं पर जमीन का विवाद था, कहीं काम नहीं हुआ था। उसमें से कम 4-5 रोड जो है हमारे PMGSY महकमे ने पूरे कंप्लीट किए हैं और कुछ में लोगों को कंपनसेशन भी दिलाया है। तो इसके लिए और बाकी जो है शेष जो रह गई है उसके ऊपर भी हम लोगों की चिंता भी है और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। तो ब्लॉक दिवस का उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग और हम लोग साथ में बैठें और जो ऐसे मसले मसाइल हैं उनके ऊपर चर्चा करें, उनको हमारे ध्यान में हमको भी ध्यान में आती हैं वो सारी चीज़ें क्योंकि यहाँ पर आप 24 घंटे रहते हैं, ठीक है। तो आप हमारे ध्यान में जो चीज़ें लेके आते हैं और डिपार्टमेंट से भी मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आज के ब्लॉक दिवस के जितने भी हमारे मसले मसाइल आए हैं उन सभी को इस भ्रष्टाचार मुक्त J&K के अंदर ही हमको कोई ना कोई संतोषजनक जवाब या तो प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए या तो उसमें टाइमलाइन डिफाइन होनी चाहिए। ये मेरे देश की बात है, जन्मभूमि इस भारत की बात है, कहीं दूर दुनिया की बातें नहीं। मैं बहुत स्वागत करते हुए आपसे कुछ डिमांड्स में जिस जगह मेजबानी हो रही है आज की मीटिंग की, सब आप आए हुए हैं यहाँ, ये स्कूल जो है ये आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे ADDC साहब है, वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, ये डायरेक्ट उनके पास चली जाएगी और फिर वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे या तारीख ले लेंगे कि क्यों इसमें प्रोसेस में टाइम लग गया है। सर वो रोड भी खराब है और वो गाड़ियां भी 2-4 दिन चले सर लेकिन उसके बाद नहीं चले। कि जो हमारी सर्विसेज है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर कॉमन सिटीजंस, वो सारी ऑनलाइन है और इसमें स्कोप ही नहीं है करप्शन का। अब एक और सिस्टम मैं आपको जैसे बोलूं, ऑटो अपील सिस्टम, जो 4-5 इलाका आता है, 4-5 साल में जो इलाका आता है उनकी जितनी भी पब्लिक है वो कभी ऐसी सेंटर यही है सर, बाकी मेरी